हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास फिफ्थ के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 जिसका नाम डेसिमल्स है उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और वो टॉपिक क्या होंगे पहले बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर को हम जोड़े और कैसे डेसिमल नंबर को हम घटाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर तीन नंबर लिए हैं, 9.31, 7.11 और तीसरा नंबर जो हमने लिया है 121.21। ये तीनों के तीनों आप देखोगे इनमें पॉइंट लगा है, तो ये डेसिमल नंबर हुए। तो मैं कैसे इन तीनों डेसिमल नंबर को जोड़ूं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, जब भी हम डेसिमल नंबर को प्यारे बच्चों जोड़ते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो जो डेसिमल नंबर है वो लाइक डेसिमल नंबर है कि अनलाइक डेसिमल नंबर है। ठीक है, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर के पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं यानी अंकों की संख्या समान होती है तो उनको हम क्या कहते हैं, लाइक डेसिमल कहते हैं। अगर पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान नहीं होती तो हम उनको अनलाइक डेसिमल कहते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप डेसिमल नंबर को जोड़ने जाओगे तो पहला स्टेप याद रखो कि आप क्या करोगे, लाइक डेसिमल या अनलाइक डेसिमल चेक करोगे। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने देखा यहाँ पॉइंट के बाद दो अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद दो अंक है और पॉइंट के बाद यहाँ पे भी दो अंक है कि नहीं अंक। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों डेसिमल नंबर कैसे हैं, लाइक डेसिमल है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर, दूसरे नंबर के नीचे तीसरा नंबर उतार दीजिए। जैसे पहले मैंने जो उतारा 9.31, उसके नीचे अब देखिए यहाँ पर जो होल पार्ट है वो होल पार्ट में और जो डेसिमल पार्ट है वो डेसिमल पार्ट में उतारेंगे। तो यहाँ पे 7 होल पार्ट है यहाँ उतारा और ये डेसिमल पार्ट है यहाँ उतारा। ठीक है, या इसी तरह तीसरा नंबर में उतारेंगे और इसका होल पार्ट कौन है 121, तो यहाँ उतारेंगे 121। अब ये क्या है, इस तीसरे नंबर का ये डेसिमल पार्ट है, ये इधर की तरफ उतारेंगे। यानी किसी भी डेसिमल नंबर का जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा वो लेफ्ट की तरफ उतारेंगे, जो राइट की तरफ वाला पार्ट होगा पॉइंट के राइट में उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उतर गया, अब यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और जोड़ देंगे। जैसे आप नॉर्मल जोड़ते हो वैसे जोड़ना है, 111 कितना हो गया 3 3 1 4 1 4 2 6, पॉइंट लगा दिया। 9 और 7 कितना प्यार बच्चों, 9 7 और 16, 16 और 1 17 का 7 लिखा, 1 इधर चला गया, 2 और 1 कितना हुआ 3 और इधर 1। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्या आ गया, इन तीनों डेसिमल नंबर को आपने जोड़ा यानी तीनों लाइक डेसिमल नंबर को आपने जोड़ा तो आपका आंसर आ गया 137.63। ठीक है, तो इस तरह से हमने जाना कि किसी भी लाइक डेसिमल को कैसे जोड़ा जाता है। अब आइए जानते हैं किसी भी अनलाइक डेसिमल को कैसे जोड़ा जाए। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। यानी तीनों ही डेसिमल में जो डेसिमल प्लेसेस की संख्या है वो अलग अलग है, इसका मतलब ये तीनों कैसे है बताइए, अनलाइक डेसिमल है। ठीक है, और तो हमें सबसे पहला जब भी हम अनलाइक डेसिमल को जोड़ेंगे तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इनको लाइक डेसिमल में बदलना होगा। और मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइक डेसिमल में बदलना सिखाया था। पहले हम देखेंगे कि हाईएस्ट डेसिमल प्लेस किसका है, तो मैंने देखा इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। ठीक है, इसमें 1 है, सॉरी इसमें 1 है, इसमें 3 अंक है, इसमें 1 अंक है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेस इसमें है, तो इसमें है तो इसका मतलब है इसमें कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब हमें इसमें भी 3 चाहिए, उसमें भी 3 चाहिए, तो जितने कम है उतने 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 7.1 था, इसमें कितने कम है डेसिमल प्लेस से, 3 से 1 कम है, मतलब 2 कम है, तो 2 0 लगा दिया। इसमें तो ऑलरेडी है, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये तो ऑलरेडी 3 है। उसके बाद यहाँ पर 8.3, इसमें 2 कम है तो 2 कम। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट की पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसका मतलब किसमें बदल गया, ये बदल गया कन्वर्ट इनटू लाइक, यानी लाइक डेसिमल में बदल गया। अब क्या करेंगे, लाइक में बदल गया, अब इसको जोड़ दो जैसे नॉर्मल तरीके से जोड़ते हैं, 7.100 इसके नीचे। अब ये वाला नंबर उतारना तो ये होल पार्ट है 21, तो होल पार्ट के नीचे उतारोगे। ठीक है, और डेसिमल पार्ट के नीचे उतारोगे। इसमें 8 जो है होल पार्ट है तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा और जो 3 3 0 0 है वो
डेसिमल पार्ट है और डेसिमल की तरफ जाएगा। अब इसे जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए 0 2 0 कितना हुआ 2 1 0 0 1 और 0 कितना हुआ 1 1 1 2 और 2 और 3 कितना हुआ 5 पॉइंट लगाया। अब यहाँ जोड़िए 7 1 8 8 और 8 16 का 6 1 इधर आ गया 2 और 1 3। तो इस तरह से इन तीनों डेसिमल नंबर को जोड़ा तो हमारा आंसर कितना आ गया 36.512। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इन दोनों एग्जांपल के माध्यम से लाइक और अनलाइक डेसिमल को जोड़ना सीखा। आइए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन को भी सीखते हैं कि कैसे डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया जाए। प्यारे बच्चों अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है यानी डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन, आइए उसको समझते हैं। देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे दो आपको एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। पहले एग्जांपल में मैंने दो नंबरों को घटाना है, मुझे दो डेसिमल नंबरों को घटाना है। जैसे पहला मैंने नंबर लिया है 9.31 और दूसरा लिया है 3.45, ठीक है। मुझे 9.31 में से 3.45 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना। मैंने देखा दोनों ही नंबर कैसे नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल है तो कौन सा डेसिमल है, लाइक है या अनलाइक है, ये चेक कर लेते हैं। मैंने देखा है पॉइंट का 2 अंक 3 1, यहाँ पे भी पॉइंट का 2 अंक 4 5, इसका मतलब यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो दोनों कैसे नंबर हुए, लाइक डेसिमल, गुड, ठीक है। अब लाइक डेसिमल है तो कुछ भी नहीं करना है, बस नंबर को नंबर के नीचे नंबर उतार देना है, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट और डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने 9 लिखा, पॉइंट लगाया 3 1। अब दूसरा नंबर इसके नीचे उतारेंगे तो 3 जो है डेसिमल होल पार्ट है तो यहाँ पर लगा दिया, और 4 और 5 डेसिमल पार्ट है, यहाँ पर डेसिमल पार्ट में लिख दिया। अब इसको घटा दो, 1 में से 5 जाएगा नहीं जाएगा, इससे उधार ले लो 3 से, उधार लेगा तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, अब इसने उधार दिया था तो इसके बाद कितने बचे 2, और 2 में से 4 जाएगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ इससे मैंने उधार लिया आगे वाले से तो इसने इसको दिया तो इसके बाद होगा 12, और 12 में से 4 गया कितने बचे 8, अब इसने उधार दिया तो इसके बाद बचे 8 में से 3 गए कितने बचे 5। तो इस तरह से जब आप 9.31 में से 3.45 को घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 5.86। समझ में आ गया कि कैसे लाइक डेसिमल को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं अनलाइक डेसिमल को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए हैं, दो डेसिमल नंबर लिए हैं 25.1 और 4.213, मुझे 25.1 में से 4.213 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है। तो मैंने देखा यहाँ पॉइंट के बाद केवल एक ही अंक है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे डेसिमल नंबर है, अनलाइक डेसिमल है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसे लाइक डेसिमल में बदलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा इसमें 3 अंक है तो इसका मतलब मुझे इसमें भी 3 अंक चाहिए, तो इसमें 3 अंक बनाने के लिए मैं क्या करूं, इसमें लास्ट में 2 0 जोड़ दूं, लगा दो, जोड़ नहीं दू मतलब लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अंक मैंने लगा दिया, तो इसमें तो ऑलरेडी है, इसमें तो लगाना नहीं है। अब देखिए दोनों किसमें बदल गए, लाइक डेसिमल में बदल गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस नंबर को नंबर के नीचे उतार देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उतार दिया, अब इसका होल पार्ट 4 है ये इसके नीचे उतार, इसका डेसिमल पार्ट 213 है इसके नीचे उतार दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 में से 3 जाएगा नहीं जाएगा, तो इससे उधार लोगे, इसके पास खुद नहीं है तो ये इससे उधार मांगेगा, ये इसको देगा तो इसका 10 हो जाएगा, ये इसको देगा तो इसका 10 हो जाएगा, इसका 9 बचेगा। फिर 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, इसने उधार दिया तो इसके पास बचा 0, अब 0 में से 2 जाएगा नहीं तो ये इससे उधार लेगा 5 से, तो इसके पास हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, अब इसने उधार दिया तो इसके पास बचे 4, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ पर 2 नीचे, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 उतार देंगे। तो इस तरह से जब आप 25.100 में से 4.213 घटाओगे तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 20.887 मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो दोनों टॉपिक है, डेसिमल नंबर का एडिशन और डेसिमल नंबर का सब्ट्रैक्शन, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग घर पे इसका अभ्यास करेंगे। और एक्सरसाइज 8D आप देख रहे हो ना, ये 8D इसका पहला क्वेश्चन और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप घर पे अच्छे से करोगे, ठीक है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए अलग अलग जो आपके पास प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।